अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे जी। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होगी। आज की वीडियो में आप सभी को भारी भरकम खसी बकरे दिखाए जाएंगे, बहुत खूबसूरत। मेरे साथ है जी उस्मान भाई और नासिर भाई, आप दोनों को सलाम है जी। माशाल्लाह से ये जोड़ी चेक करें, अबलक जोड़ी है। फेस ब्यूटी देखें इसकी, क्या बात है जी। बाकी बड़ी ज़बरदस्त भराई हुई है इनकी, तो कुर्बानी का मज़ा भी यही है, बकरे खूबसूरत भी हों साथ साथ जी। जी ये इनकी पलाई में जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाजन। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, वरना ऐसे बकरे तैयार नहीं होते। बिल्कुल, खाली पट्ठों पे तैयार करें तो नहीं होंगे, ऐसे बकरे तैयार नहीं होते। ये तो जाहिरी बात है नासिर भाई। बाकी चेक कर सकते हैं जी कितने वजनी बकरे हैं, और ये सीना देखें जी इनका माशाल्लाह। तो वैसे ये कितने टाइम की तैयारी है? ये जी घर के पले हुए। ठीक है, ये सारे बकरे खुद ही पाल रहे हैं। ठीक है, यानी शुरू से ही आपके पास हैं और माशाल्लाह बड़ी मेहनत हुई है, नज़र भी आ रहे हैं। ये देखें ना कितने खूबसूरत कलर हैं माशाल्लाह से, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में जानवर है जी। दो दो करके आपको दिखाते हैं सारे। ये देखें फेस चेक करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से जी। दो और बकरे दिखा रहे हैं चीने, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारे हैं। अच्छी चीज़ ये है कुर्बानी के लिए, बड़े बेहतरीन बकरे हैं जिनकी भराई भी बहुत प्यारी हुई हुई है और बकरे भी बहुत खूबसूरत हैं। उस्ताद नासिर भाई इनके बारे में बताएं, माशाल्लाह से ये तो काफ़ी भारी भरकम है। कितना वज़न होगा उस्ताद नासिर भाई इनका माशाल्लाह? 180 के करीब होगा। और हाइट भी माशाल्लाह से चेक कर सकती है इनकी जी, जी। काफ़ी अच्छी हाइटें हैं, हाइटें इनकी ऑलमोस्ट 45 के पास इसकी हाइट होगी जी, और बहुत बेहतरीन भराई है। ये चीना भी देख सकते हैं आप, फेस चेक करें माशाल्लाह इसका, झालर शालर देखें, सीने देखें। और लाहौर के अंदर जी बहुत ही अच्छे बकरे जमा किए हुए हैं इन्होंने, वन बाई वन करके आपको दिखाते हैं सारे। मेन चीज़ देखने वाली है हाइटेड है, बकरे साफ़ सुथरे हैं माशाल्लाह से। फ्रंट लेग्स देखें, बैक लेग्स देखें, ये पेटा शटा देखें, और भराई भी माशाल्लाह अच्छी की हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से, ये देखें माशाल्लाह एक्टिव है जी माशाल्लाह, वो नज़र भी आ रहा है नासिर भाई। सीना चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयारी है। और ये सारे बकरे जी अवेलेबल हैं, आप में से किसी भाई ने लेने हो अपनी कुर्बानी के लिए वो रابطہ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में उस्मान भाई का नंबर था, और नंबर वीडियो के एंड पे एक बार फिर से लेंगे जी उस्मान भाई से। माशाल्लाह से जी अब आप सभी को एक और जोड़ी दिखा रहे हैं, जो मज़े की बात ये लगी है वैरायटी बड़ी ज़्यादा है कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। आप सभी को जी पहले अबलक दिखाए हैं, चीने दिखाए हैं, अब ये देखें ये बीतल हैं, ये शेरा है जी कलर, और ये नागरा है। अभी राजनपुरी बड़े बकरे भी दिखाएंगे। और जैसे लाहौर ईद के दिनों में सगिया मंडी में आते हैं भारी भरकम बकरे, ये माशाल्लाह सेम वैसे ही हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कलर चेक करें, शेरा कलर, ये बीतल ब्रीड के अंदर ही जी काली बकरियों से निकलता है, और ये काफ़ी नयाब कलर होता है, और ये बड़ा पसंद किया जाता है कुर्बानी पर। यह देखें जी सीना देखें माशाल्लाह इसका, और मैं पीछे से भी दिखाता हूँ माशाल्लाह
बहुत ज़्यादा वैरायटी है जी, बड़े खूबसूरत बकरे हैं इधर। ये नागरा बकरा भी चेक करें जी, बीतल बकरा है, और फेस ब्यूटी चेक करें इसके, कान देखें, पेटा शेटा देखें, बहुत ज़बरदस्त। उस्ताद नासिर भाई, सबसे अच्छी बात ये है कि माशाल्लाह वैरायटी पूरी रखी हुई है। हाँ जी भाई, कि कोई बंदा सफ़र करके आएगा जी, तबीयत खुश होगी, तबीयत खुश हो जाएगी। चीने भी हैं, अबलक भी हैं, बीतल में भी अच्छे बकरे बड़े। मकसद ये जी, जो बंदा कुर्बानी के लिए जानवर लेता है, हाँ जी, तो उसको पसंद आए, उसको अच्छा लगे, और जी वो फिर ही लेगा ना जी वो। बिल्कुल, तो हम भी जब लेते हैं तो बिल्कुल सिलेक्टेड लेते हैं, और बड़े अच्छे जानवर, एक एक जानवर ढूंढ के निकालते हैं, फिर उसकी तैयारी लगाते हैं। बिल्कुल, और माशाल्लाह से उस्मान भाई मुझे बता रहे थे कि ये फुल ऑर्गेनिक डाइट पे तैयार हुए हैं जी, खालिस वंडे शंडे पे। और माशाल्लाह चेक करें, बड़ी अच्छी भराइयाँ हैं इनकी, बड़े खूबसूरत कलर हैं माशाल्लाह से जी। दो और नागरे डब्बे दिखा रहे हैं आप सभी को, वैरायटी की भरमार है जी। फेस चेक करें इनके, कितने बड़े हैं, आँखें शांखें देखें कितनी खूबसूरत हैं, और पलाई बड़ी ज़बरदस्त हुई है। हम इनको ऑर्गेनिक डाइट देते हैं, ठीक इसमें है। हम काले चने देते हैं जी। उसके बाद गंदम देते हैं, उसके बाद दही देते हैं, तेल देते हैं, मक्खन देते हैं, तो ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बोझ जाती है। और जानवर आपके सारे एक्टिव हैं, बाज लोगों के तैयारी पर लगे होते हैं, चलने फिरने में आपको पता है मुश्किल हो रही होती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बकरे आपके सारे फिट दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है जी। माशाल्लाह जी, बकरे आपको जोड़ी जोड़ी करके दिखा रहे हैं जी, खूबसूरतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं इनमें। ये देखें इसका भी सीना, तैयारी जो है माशाल्लाह बड़ी अच्छी हुई हुई है। एक होता है जी पेटा खोल देते हैं जानवर का, ये इनके अभी पेटे नहीं खुले हुए, ये आगे से भी सीधे पदरे, ये सही जिसको कहते हैं ठोस भराई, ये वो हुई हुई है जी माशाल्लाह से। क्या बात है, माशाल्लाह जी, चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त भराई है, कितने ज़बरदस्त बकरे हैं जी। और ये देखें जी एक्टिव कितने हैं माशाल्लाह से जी। अब राजनपुरियों की जोड़ी दिखा रहे हैं, और इस हद तक माशाल्लाह जी खूबसूरत राजनपुरी बकरे हैं ये, बड़े कम नज़र आते हैं ऐसे राजनपुरी। और नासिर भाई, ये तो किसी ने अगले साल के लिए भी रखना हो, जिस फ्रेम में है, जितनी इस बड़ी इसकी हाइट है, जितना बड़ा इसका पेटा है, माशाल्लाह ये तो अगले साल भी रख सकता है, और बहुत खूबसूरत फेस है जी माशाल्लाह। झालर शालर देखें जी इसका, और पेटा देखें इसका, ये फ्रंट पोर्शन देखें इसका कितना बड़ा है, लास्ट पोर्शन देखें माशाल्लाह से, लेंथ भी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है जी, बहुत खूबसूरत बकरा है। क्या बात है जी, ये अगले साल भी रखना हो किसी ने हाथ पे लगा के, बड़ा खूबसूरत तैयार कर सकता है जानवर। मैं आपको बहरहाल पीछे से भी दिखा देता हूँ, और अच्छी चीज़ ये है फ्रेम बहुत बड़ा ही है, पेटा देखें पीछे से भी चौड़ाई इसकी, और ये फ्रंट पोर्शन देखें, सामने से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा है, क्या कहने जी। और नासिर भाई, राजनपुरी ऐसे कम ही नज़र आते हैं वैसे। बस ये है कि अल्लाह पाक उन्हें हुक्म दिया हुआ है बकरों को, बाकी ये खूबसूरत चीज़ ही अल्लाह के नाम पर कुर्बान करनी चाहिए। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं, अच्छे से अच्छा जानवर लेके आए। बिल्कुल, बाकी ये भी देखें जी माशाल्लाह, ये भी राजनपुरी है, अच्छे वज़न में है माशाल्लाह, और तैयारियाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगी हुई हैं, हर जानवर आगे पीछे से बराबर तैयार है, फ्रंट पोर्शन बैक पोर्शन, ये देखें जी। नासिर भाई, देखने वाले शौकीनों के लिए क्या पैगाम होगा, क्या आपके पास आए अपनी पसंद का जानवर, तसल्ली करके अपनी मर्जी का जानवर सर पसंद करके लें, ठीक है, और अच्छी चीज़ का यही फायदा होता है कि अगर वो कुर्बानी से कोई 8 दिन पहले बंदा चीज़ ले ले, 10 दिन पहले ले ले, तो उसका ज़्यादा फायदा होता है। बिल्कुल, एंड पे तो आपको पता है क्या हिसाब हो जाता है, पहले ले ले तो थोड़ा बेहतर रह जाता है बंदा, वहाँ पे भाग दौड़ होती है, यहाँ पे पुरसकून तरीके से बैठ के बंदा ले सकता है, आराम से तसल्ली करके ले सकता है, जानवर को अच्छी तरह चेक करके ले सकता है। बिल्कुल, माशाल्लाह से दोस्तों, इधर का इस फार्म का अभी सबसे बड़ा बकरा जुगनू आपको दिखाने लगे हैं, इसके बारे में पूछेंगे जी उस्मान भाई से। उस्मान भाई, माशाल्लाह से एंड बकरा है, वजन कितना होगा इसका? माशाल्लाह, 200 किलो के करीब करीब, और तैयारी दिखाते हैं जी आपको, कितनी बेहतरीन तैयारी लगी हुई है, तैयार किया है किसी उस्ताद ने, कुछ नहीं, बस फर्स्ट टाइम हमने ये बकरा ना, नहीं बड़ी बात है उस्मान भाई, जैसा आपने बकरा तैयार कर दिया माशाल्लाह से, और बहुत बेहतरीन तैयारी है जी। आपको फेस दिखाते हैं जी इसका, फेस देखें और सीना चेक करें जी माशाल्लाह, क्या कहने हैं जी, बहुत चौड़ा सीना है, ये देखें जी,
और तैयारी मैं पीछे से भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह क्या बात है जी, चेक करें जी 200 किलो कह रहे हैं उस्मान भाई, और इसमें कोई शक नहीं जी काफ़ी बड़ा बकरा है और काफ़ी मेहनत हुई हुई है इस पर। तो उस्मान भाई इसे डाइट पे क्या दे रहे हैं स्पेशल सर? इसे मक्खन, ठीक है ना, जो चीज़ें आपको भी ऑन में ही पता है इसमें क्या क्या चलता है सारा कुछ। बिल्कुल तो सर, इसलिए आपको तो सारा बताने की ज़रूरत नहीं है सर है जी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा है, बहुत मेहनत की हुई है। और वैसे उस्मान भाई कोई भाई आपसे इसी किस्म के मजीद बकरे लेना चाहते हो? मेरे पास और भी पड़े हुए इस लेवल के ना, तो इंशाल्लाह वो पीछे वो आ जाएंगे। इस दफ़ा हमारा ध्यान है सकिया मंडी में ना अटा लगाने के लिए, ठीक है। तो ये दोस्त है नासर भाई, वो ही बैठेंगे सारा होल्ड वो ही करेंगे, ठीक है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह से जी, ये जोड़ी भी चेक करें, बहुत कमाल जोड़ियाँ बना बना के रखी हुई हैं जी इन्होंने। अच्छा उस्ताद नासिर भाई ये बताएं रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है पब्लिक का माशाल्लाह से, इतने खूबसूरत बकरे हैं आपके पास? भाई जी जो हमारे लाहौर के भाई हैं जो शौकीन हजरात हैं वो आ रहे हैं और ले भी रहे हैं बकरे माशाल्लाह जी, और पसंद बड़े कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो जिसको जो पसंद आता है फिर वो ले लेता है भाई, ठीक है। अभी आपके पास कितने बकरे इधर अवेलेबल हैं? अभी तकरीबन कोई 55-60 के करीब हैं जी मौजूद यहाँ पे जो तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद तकरीबन 200 बकरा हमारा और तैयार हो रहा है, 200 बकरा पीछे तैयार हो रहा है। तो ये यहाँ से जाते जाएंगे तो पीछे से आते जाएंगे? जी जी बिल्कुल माशाल्लाह। बाकी जी चेक करें तैयारियाँ, बहुत बेहतरीन तैयारी हुई हुई है कुर्बानी के हिसाब से। ये देखें जी सीने, और लोकेशन भी थोड़ी गाइड करें नासिर भाई, लोकेशन क्या है और किसी भाई ने आना हो वो कब आ सकता है? ये यहाँ पे डयाल हाउस के करीब है जी हमारा फार्म, ठीक है, लाहौर में जी। लाहौर में तो ये नहर के ऊपर है, ठीक है, इजी बंदा पहुँच सकता है। हाँ, और खुद विजिट करके या यानी अपनी मर्जी का जानवर वो ले सकते हैं माशाल्लाह से जी। अब एक और जोड़ी दिखा रहे हैं, बड़े खूबसूरत कलर हैं जी, चीने, राजनपुरी, अबलक, अमृतसरी बीतल, हर टाइप के बकरे जी इधर अवेलेबल हैं, साफ़ सुथरे, कुर्बानी के लिए बेहतरीन। और नासिर भाई इस जोड़ी के बारे में बताएं, वज़न अंदाजन कितना होगा इसका? इसका जी 3 मन के करीब होगा, 3 मन, 120 किलो के राउंड अबाउट। माशाल्लाह ये भी चेक करें क्या कहने जी। और अच्छी चीज़ ये है इस टाइप के बकरे जिनको चाहिए होते थे वो ईद के दिनों में ही ले पाते थे सगिया मंडी से, तो लेकिन आपके पास माशाल्लाह पहले ही अवेलेबल है इधर, ये लोगों के लिए भी अच्छा मौका है वैसे नासिर भाई जी। जी प्योर बीतल में सर किसी को चाहिए हो, राजनपुरी में चाहिए हो, उसके अलावा हर तरह की वैरायटी तकरीबन हमारे पास है, अच्छे बकरे जो हाइट वाले हैं वज़न वाले हैं जी, और ऑर्गेनिक प्लाई है माशाल्लाह, और बाकी जो है अपनी पसंद की बात होती है, हर बंदे को जो पसंद होगी। बिल्कुल, गुलाइयाँ वगैरह चेक करें जी, सीने चेक करें, और साफ़ सुथरे बकरे हैं जी, टांगे देखें इनकी बेहतरीन, ये बकरा भी देख सकते हैं जी आप सभी, क्या बात है जी। माशाल्लाह से जी अब एक और जोड़ी दिखा रहे हैं, ये भी बड़ी खूबसूरत है, अबलख में कलर चेक करें जी माशाल्लाह से इसका। नासिर भाई जो माशाल्लाह से अच्छी चीज़ मुझे लगी है, अब जितनी गर्मी में हम वीडियो बना रहे हैं तो ये बकरे माशाल्लाह हाथ पे लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी बकरे का मुंह नहीं खुला हुआ, तेज़ तेज़ आपको पता है बकरे जो हैं कैसे सांस ले रहे होते हैं, मुंह खुले होते हैं। अगर किसी बकरे के साथ ज्यादती हो तो फिर है ना जी, हम तो बकरों को इस तरह पालते हैं जैसे बच्चों को पालते हैं, ठीक है, कोशिश तो यही करते हैं कि तकलीफ ना दी जाए जानवरों को ना, ठीक है। इस वजह से बस अल्लाह का शुक्र है बकरे जो हैं वो बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त हैं माशाल्लाह। और नासिर भाई दूसरी चीज़ आप क्या कह रहे थे, जिन भाइयों ने बकरे लेने हो वो आपके पास भी रखवा सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर उनको पसंद आ जाए सौदा हो जाए तो ईद से कम अज़ कम एक हफ्ता पहले ले जाएं, या मतलब 5-6 दिन पहले ले जाएं, जैसे उनको आसानी हो, ये उनको आसानी हो जाएगी कि वो इधर से आके पसंद करें सौदा करें, उसके बाद जब उनको चाहिए हो 4 दिन पहले 5 दिन पहले 6 दिन पहले जब भी चाहिए वो आके लेके जा सकते हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि बाज़ लोगों के पास जानवर रखने की जगह नहीं होती। माशाल्लाह जी चेक कर सकते हैं जुगनू को, वज़न जी माशाल्लाह 200 किलो माशाल्लाह। बाकी उस्मान भाई अपना मोबाइल नंबर भी दें सर। भाई जी 0319-450-12, ठीक है, कॉल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, किसी भाई ने बकरों के बारे में पूछना हो लेने हो तो उस्मान भाई से रابطہ कर सकता है। बहुत खूबसूरत कलर हैं, बहुत खूबसूरत कलेक्शन है उस्मान भाई के पास, और बड़े बेहतरीन बकरे हैं जी सारे।